दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबला देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला श्रीलंका के पावलकेल स्टेडियम में शुरू हो चुका है। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बना दिए कितने रन, कौन पहुंच गया शतक के करीब, क्या चल रहा है मैच का लाइव अपडेट, पाकिस्तान की टीम का क्या हाल है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बिना ज़्यादा वक्त गवाए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद आज श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी। वैसे तो दोस्तों, भारतीय टीम का एशिया कप में पड़ना सबसे भारी रहता है, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक 6 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में आज होने वाले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के बीच टेंशन बढ़ी हुई है कि कौन यह मुकाबला जीतने वाला है। क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबले को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के पावलकेल के स्टेडियम में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पिछले 2 दिनों से वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में यह बारिश भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भी खेल बिगाड़ सकती है। दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो और हमें भारत और पाकिस्तान के बीच का रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। दोस्तों, आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को मिली करारी हार से पूरी टीम बौखलाई हुई है और भारतीय टीम के खिलाफ पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों, हमारी भारतीय टीम भी किसी भी मायने में पाकिस्तान से कमजोर पड़ने वाली नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी के खिलाफ रणनीति बना ली है, कैसे उन्हें हाई वोल्टेज मुकाबले में हराना है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए मुकाबले की पूरी लाइव अपडेट बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच का रोमांचक मुकाबले अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो इस मुकाबले को लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट और स्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल मुफ्त में मुकाबला दिखाया जा रहा है, जहां पर हिंदी, इंग्लिश, अन्य कई सारे भाषाओं में आप आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला टॉस के बाद शुरू हो चुका है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पाकिस्तान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल मैदान में उतर चुके हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति 70 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक लंबी साझेदारी होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के हर एक कोने में रोहित शर्मा और गिल चौके छक्के लगा रहे हैं। जिस तरह से इस समय इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप हो रही है, भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार तो पक्का ही पहुंच जाएगा। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 140 रन हो गया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 60 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के अपने बल्ले से लगाए। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ सुमन गिल भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना 8 शतक 50 गेंदों में पूरा करते हुए धीरे धीरे अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे। भारतीय टीम की तरफ से अभी भी श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे धाका बल्लेबाजों को मैदान में उतरना बाकी है। भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब है, ऐसे में पाकिस्तान को इस मुकाबले को जीतना बिल्कुल असंभव लग रहा है। दोस्तों, आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बताते चले तो सबसे पहले हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बताएं तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल कर रहे हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन खेलेंगे तो वहीं पर ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में शामिल है। स्पिन गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को शामिल किया गया है तो वहीं पर दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में फखर जमान, इमाम उलग, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। उसके बाद दोस्तों, इफ्तिखार अहमद, सलमान आगा, सादाब खान मिडिल ऑर्डर में मौजूद है। गेंदबाजी यूनिट में मोहम्मद नवाज, साइन अफरीदी, हरीश राव, नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल है।